हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क को लेकर के आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या आने वाले कोई भी एग्जाम जैसे ईपीएफओ का एग्जाम अभी आ रहा है, उसमें भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कोई भी एग्जाम, इंडिया का किसी भी एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का एग्जाम हो या इवन कैट वैट का भी एग्जाम होता है, तो ये चैप्टर बहुत ही एप्टीट्यूड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। इसीलिए और इस चैप्टर में अक्सर देखा गया है कि जब आप इसको बनाते हो तो आपका सवाल जो है बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, टाइम टेकिंग लग जाता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम उसमें आप दे देते हो, ठीक है, 5-7 मिनट ले लेता है, फिर लास्ट में आपको लगता है कि पता नहीं दूसरे सवालों का जो समय होता है आपने एक ही सम को दे दिया। तो इससे बचने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के डिमांड पे, टाइम एंड वर्क शुरू कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर होगा आपको बहुत ही फील देगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और उससे पहले मैं आप लोगों के एक गुजारिश कर देता हूं आप लोगों से मित्रों, कि जब भी आपको ये वीडियो आपको देखने को मिले, या अभी अगर आप देख रहे हो, या ऐसे लोग जो जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं है, उनको भी आप ये पूरा वीडियो भेज सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैंने 3-4 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और वो जो चैप्टर है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन और सिंपल इंटरेस्ट के 3 वीडियो भी हो चुके हैं, और 4 चैप्टर लगभग मैंने कवर कर रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है वो एक वीडियो उसमें और लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। उससे पहले मैं काफी दिनों बाद आया हूं, तो आज मैं सोच रहा हूं कि टाइम एंड वर्क शुरू कर दूं। और टाइम एंड वर्क जो है आने वाले समय के लिए आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का जो लेसन है, ये जो हमारा लेसन है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नाम है टाइम एंड वर्क, मतलब हिंदी में इसको समय और कार्य कहा जाता है। हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे, समय और कार्य, ठीक है। हिंदी में ये क्या होता है, समय और कार्य। और ये है पानी और टंकी, ठीक है ना, पाइप और टंकी, पाइप है और सिस्टर्न मतलब ये टंकी, दोनों को मैंने एक साथ यहां पर लिख रखा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि दोनों कमोबेश एक ही तरीके से बन रहा है, और सिर्फ मैं जो यहां पे कराने वाला हूं वो आपके समय को बचाने के लिए मैंने यहां पे ये एक्सरसाइज शुरू किया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक बात, जो कि आप, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को बताओ जो आप पहली बार क्लास 7 या क्लास 8 में पढ़ते हैं, या 6ठे 7वें में जिसका जो बोर्ड होगा उस हिसाब से आप पढ़ते हैं, तो जो 6ठा 7वां में आपने पढ़ा है पहले उस बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे, और हमारा जो टेक्निक होगा वो आपको जरूर पसंद आएगा। जैसे कि आप ये बताइए फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है और 10 डेज में 1 वर्क कर रहा है, 1 काम कर रहा है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, जो बेसिक बातें जो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि आपको आती है, उसी को मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, बाद में मैं अपने टेक्निक की तरफ चलूंगा। तो आप ये बताइए कि एक दिन में पेन और पेपर लेकर के बैठे, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं ताकि आपका ये नोट्स भी बनते चले जाए और आपको टेक्निक भी समझ में आ जाए, तो 1 दिन में 1/10 काम करेगा। मतलब ये हो गया कि 1 काम अगर कर रहा है वो 10 दिन में, तो 1 दिन में 1/10, तभी तो 1 दिन में अगर 1/10 किया तो 1/10 + 1/10 + 1/10, 10 बार आप जोड़ेंगे तो 10 दिन हो जाएगा, तो 10 दिन हो जाएगा तो इसका मतलब 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ए अगर एन डेज में, एकदम एन मतलब कोई भी रैंडम नंबर ले लिया मैंने, 1 काम कर रहा है, तो ए जो है 1 दिन में 1/n वर्क करेगा। ये बात आपको पता है। अब ये जो 1 दिन का जो काम है, ये याद रखिएगा, ये इसका मैक्सिमम है, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता है अगर उसका टोटल टाइम दिया हुआ है। तो टोटल अगर एन डेज में काम कर रहा है, जैसा कि यहां पे मैंने एग्जांपल में समझाया कि 10 दिन में अगर 1 काम कर रहा है तो 1 दिन में 1/10 काम करेगा, इससे ज्यादा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि 10 दिन में उसको काम खत्म करना है, तो इससे ज्यादा काम कैसे करेगा, है ना। तो आप ये देख लो कि 1/10 काम, तो उसी तरह मैंने इसको क्या किया कि यहां 10 ही थोड़ी होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, तो एन डेज में अगर 1 काम कर रहा है तो 1 काम को 1/n वर्क करेगा 1 दिन में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक बात है। तो 1 दिन का कार्य जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स,
याद क्या रखना है कि एक दिन का काम आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग यहीं पे फंसते हैं और एक दिन का काम ही जो की पॉइंट है, की बात पॉइंट जो है वो क्या है कि वन डे वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन का वन डेज वर्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से आप बनाए, एक दिन का काम अगर आप निकाल लेते हो तो फिर आप उस तरह से उसको कितना कितना भी दिन का काम होगा तो उसको तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आराम से आप निकाल लोगे। तो एक दिन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, इसका जो मेन की पॉइंट है ये एक दिन का काम, ठीक है। अब अगर मैं एक छोटा सा सवाल लेकर के दिखा रहा हूं, ठीक है, कि अगर ये मैं मिटा रहा हूं, जिसको भी लिखना हो आप लिखें जरूर। एक बात मैं और बता देता हूं, मैं कमोबेश कम समय लेकर के या ज्यादा समय लेकर के मैं पूरा कोर्स जरूर करा दूंगा, जो मैंने वादा कर रखा है कि बिगिनर्स के लिए बेसिक टू एवरेज, इवन अगला जो टर्म आएगा मेरा, जब इस अभी तो मैं एप्टीट्यूड शुरू कर किया हूं, मैंने शुरू किया है, तो अगला जो फिर और इसके बाद भी जब टाइम एंड वर्क दोबारा भी पढ़ाई होगी, तो जो पहला बार में जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल मैं ये ध्यान में रख करके चल रहा हूं कि जो बच्चे बिगिनर्स हैं और YouTube पे सारा कोर्स फुल कोर्स देखना चाह रहे हैं, फुल कोर्स प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हो बच्चों। आपको बिल्कुल ही जो है बेसिक टू एडवांस का सारा कोर्स यहाँ मिलेगा और एक एक सम बनाया हुआ मिलेगा, मतलब जो टाइप का सम एग्जाम में पूछता है जिस भी टाइप का, उस टाइप का सारा सम मैं यहाँ पे करा दूंगा। उसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है उस सामग्री का उपयोग करें और उसके बाद उसे आप बनाएं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ऐसा मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं। तो ये हमारा आज का सवाल था कि एक दिन में दस दिन में अगर एक काम, तो एक दिन में दस काम, तो एक दिन में जो कार्य होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एक दिन का जो कार्य होगा वो उसका स्ट्रेंथ होगा, ये समझना है, स्ट्रेंथ होगा, समझ में, उसकी ताकत होगी, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा करेगा कैसे करेगा, टाइम एंड वर्क है तो जाहिर सा बात है कि टाइम एंड वर्क दोनों एक दूसरे के क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग चलेगा ना, ठीक है। तो अब मैं जो कह रहा हूं आप एकदम ध्यान से देखिए, जो तरीका मैं बता रहा हूं, एक सवाल लेकर के मैं शुरू कर रहा हूं, समझिए कि अगर एक सवाल है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क, एकदम मैं देख बेसिक से सवाल को मैं ले रहा हूं, इन 10 and 15 days respectively, ये सवाल है, हाउ मेनी डेज दे विल टेक, हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू डू दिस वर्क टूगेदर, दोनों साथ में मिलकर के कितने दिन में ये काम कर लेंगे, बहुत ही साधारण सा सवाल है। सब आपको लग रहा होगा कि कहां से शुरू कर रहे हैं, तो मैं पहले भी मैंने बता रखा है कि भाई जीरो से मैं शुरू कर रहा हूं, जो भी लोग आप देख रहे हो बेसिक से एडवांस की तरफ मैं चलूंगा और बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए दो आंसर मैं बना रहा हूं, ये आप देखिए कि दो लोग हैं ए और बी, ए है और बी है, ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी अगर 15 दिन में कर रहा है, ये टोटल टाइम है ना जी, टोटल टाइम ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10, तो वन डे में कितना काम करेगा, 1/10, और ये वन डे में कितना करेगा, 1/15। तो आप ये बताइए कि अगर ये दोनों निकल गया है ना, तो दोनों निकल गया तो एक दिन में ए प्लस बी फिर एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 प्लस 1/15, 10 और 15 का अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3+2 है ना, 3+2 तो ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/30, यानी कि 5×6=30, 1/6 काम कर रहा है एक दिन। अब ये बताइए एक दिन में 1/6 काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, उसको रिवर्स कर देंगे, अभी मैंने बताया कि अगर 10 दिन में आप एक काम करते हो तो एक दिन में 1/10 काम करते हो, एक दिन में 1/10, तो नीचे वाला जो 1/10 होता है, 10 जो होता है वो टोटल काम है, तो एक दिन में अगर ये 1/6 काम कर रहा है तो दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर लेगा, तो यह जाहिर सा बात है कि यहां 6 दिन में दोनों मिलकर के काम कर लेगा, ठीक है। तो एक दिन का काम वन डे वर्क जो होता है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं, एक दिन का काम बहुत ही जरूरी है, ये बात याद रखिएगा, एक दिन का वर्क बहुत जरूरी है, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे,
समझ में आ रहा है, 10 दिन और 15 दिन, फिर दोनों का एक एक दिन का काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 1/10 और 1/15। फिर उसके बाद क्या किए, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लिए, तो 30 हो गया, 30 हो गया तो क्या हो गया, 10 + 30 3 और 15 × 3 = 5, 1/6 काम हो रहा है, 1/6 काम दोनों मिलकर एक दिन में कर रहा है, तो पूरा काम क्या करेगा, उसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 6 दिन में वो दोनों मिलकर के काम कर लेगा। ठीक है, अभी मैंने ये सवाल आपको बताया, अब जो मैं एक सवाल बता रहा हूं, इसी सवाल को मैं फिर दूसरे तरीके से भी बनाऊंगा, कि कैसे बनाऊंगा वो आप देख लीजिए, कैसे इसको आप करेंगे, है ना। ये मैं बता रहा हूं, एक तरीका और है जो शॉर्ट में सब सारे बुक में अवेलेबल होता है, लेकिन मैं इन दोनों तरीके के बाद बता रहा हूं, इसके दोनों तरीके के बाद मैं तीसरा तरीका बताऊंगा जो मेरा अपना तरीका है। अगर ए किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है, बी किसी काम को वाई दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई दिन में काम करेगा। यानी क्या हो गया कि x के जगह में कितना है 10, तो 10 इंटू 15 बाय 10 प्लस 15, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 150 बाय 25, 25 छके 150, तो 6 दिन में ये काम कर लिया ना, 6 दिन में काम कर लिया। ये तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, समझ में आ रहा है। आप देखिए x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई, ये आपको सारी बुक में मिलेगा और बहुत आसान सवाल है, ये क्लास 10th के भी एग्जाम में भी आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्योंकि बेसिक से चलना है। तो ये है आपका दूसरा तरीका, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं एकदम ध्यान से देखिए, एक दिन का काम बहुत जरूरी होता है। क्या मैंने कहा, एक दिन का काम बहुत ही जरूरी होता है, उसी टेक्निक पे बनाए। सबसे पहले क्या करना है कि आप बताइए, एक दिन का काम को हम कह रहे हैं कि एक दिन के काम को हम क्या बोले थे कि वो उसका ताकत होगा, स्ट्रेंथ होगा। फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, पावर स्ट्रेंथ मतलब पावर बाय क्या हो गया, वर्क बाय टाइम। एकदम ध्यान से देखिए, वर्क बाय टाइम, इससे क्या पता चलता है कि स्ट्रेंथ जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि स्ट्रेंथ का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, उल्टा चलेगा। समझ में आ रहा है। अब ये स्ट्रेंथ है क्या, स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जो मैंने बताया कि एक दिन में जो वो काम टोटल कर पा रहा है वही उसका ताकत स्ट्रेंथ है। तो यहां भी क्या होगा, स्ट्रेंथ मतलब वन डे वर्क, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, एक दिन का काम, वन डेज वर्क, स्ट्रेंथ मतलब हो गया वन डेज वर्क। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं बच्चों की आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर समझ में ना आए तो आप इसे दोबारा रिवाइंड करके आराम आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी बात। ठीक है, तो एक दिन का काम को यहां पे मैंने क्या मान लिया, स्ट्रेंथ मान लिया, एक दिन के काम को हमने यहां पे स्ट्रेंथ मान लिया। तो वन डे वर्क का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ। अब है कि कोई भी हो, ए बी सी डी कोई भी हो, जितना भी आदमी, काम तो फिक्स ही होगा ना, आपको एक रूम बनाना है, समझना, एक दीवार खड़ी करनी है या कुछ भी लाना है, सामान लाना है, तो काम तो फिक्स है कि वो टोटल वर्क होगा, उतना ही काम करना है, चाहे आप एक आदमी मिलकर के करो, दो आदमी मिलकर के करो, तीन आदमी मिलकर के करो, या आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो, किसी और से करवा लो, काम तो उतना ही करना है। ये सारे तरीके के सवाल आपको मिलेंगे और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत मजा भी आएगा कि कैसे आप इसको कर सकते हो, तो काम कैसे निकालेंगे वो आप समझ लीजिए। तो दो बात मैंने आपको बताया, एक स्ट्रेंथ मतलब क्या, एक दिन में किया गया काम, तो अब टोटल काम निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ और टाइम क्या देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो अब ये देखिए, जो बात आपको नोट डाउन करनी है वो है क्या, कि स्ट्रेंथ जो है वन डे वर्क क्या होगा, वन डे वर्क जो है एक दिन का काम, वन डेज वर्क, वो इसको क्या मैंने कहा, उसका नाम दे दिया मैंने स्ट्रेंथ। अब टोटल वर्क अगर निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो ये आप क्या कीजिए कि एलसीएम निकाल दीजिए टाइम का। एलसीएम निकालने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा कि बिना देखे आप एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल दीजिए टाइम पर, वो टोटल वर्क निकल जाएगा, यूनिट में वर्क निकल जाएगा कि कितना यूनिट काम करना है। ठीक है ना, तो ये है, हो गया, दो बात याद रखना है बस, अब कुछ नहीं याद रखना है, स्ट्रेंथ और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टाइम का एलसीएम निकाल दीजिएगा, एलसीएम किसका निकालना है, टाइम का, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। क्लियर है, स्ट्रेंथ, और आपको पता है कि स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखाया, ये होता है वर्क बाय टाइम, ये बात आप जानते हैं। बस इस तीन बात को अगर आप समझ गए तो फिर आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, यूं आप सेकंड्स में क्वेश्चन को बनाएंगे अगर इस मैकेनिज्म को आप समझ लेते हैं। तो कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे। तो क्या हुआ, वन डेज वर्क
को क्या बोलेंगे, एक दिन में किया गया काम क्या होगा जी, स्ट्रेंथ। टोटल वर्क क्या होगा, तो एलसीएम निकाल देना है, जो टाइम दिया हुआ है यहां पे देखिए, टाइम दिया हुआ है कितना, 10 और 15 दिन टाइम दिया हुआ था। और स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होता है, वर्क बाय टाइम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम है। ये बात आप समझ रहे हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसी सवाल को इस मेथड से बना रहा हूं, ठीक है। एकदम आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनना है, कैसे बनेगा। एक किस काम, एक काम को कितना दिन में कर रहा है, टाइम बताइए, 10 दिन में। बी कितना दिन में, 15 दिन में। पूछ रहा है ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो जो पूछेगा ए प्लस बी का पूछ रहा है ना, तो ए प्लस बी के स्ट्रेंथ के पास जाएंगे, जो पूछा जाता है उसी का स्ट्रेंथ भी निकालना है। इसका स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ कोई मतलब नहीं, ए प्लस बी का स्ट्रेंथ पहले निकाल लेंगे, उसके बाद आप आंसर वहीं पे पालोगे। देखो कैसे, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अब मैं ये देख रहा हूं कि ये टोटल वर्क कितना होगा, बताइए वर्क जो है कितना है टोटल, 10 और 15 का एलसीएम 30, कैसे, तो आपको एलसीएम निकालने का मैं तरीका बता, 30 यूनिट ऑफ वर्क काम कर रहा है। देखिए 10 और 15 में एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं उसको, तो 15 है, तो 15 को मल्टीपल में चलिए, जहां पे ये दोनों से वो कट जाएगा वो नंबर, वही उसका एलसीएम, तो 15 × 15 को एक बार टेबल पढ़िए, तो 15 हो गया, 15 × 30 देखिए दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, वहीं रुक जाएंगे, अगर नहीं डिवाइड होता तो फिर आगे चलते, तो 15 × 30 तो 30 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो एलसीएम हो जाएगा क्या, 30। तो एलसीएम ही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब बताओ, तो वर्क क्या हो गया, अब देखिए स्ट्रेंथ है इतना, कितना से गुना करेंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, 10 × 30 10 × 30 ठीक है, 15 × 30 ठीक, तो स्ट्रेंथ हो गया 3। एक दिन में 3 काम करेगा कौन, ए, और बी कितना करेगा एक दिन में काम, 2 काम करेगा, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, 5। अब हमको निकालना है टाइम, तो बताइए टाइम बराबर क्या हो गया, वर्क बाय स्ट्रेंथ, वर्क बाय स्ट्रेंथ होगा, तो 30 बटा क्या हो गया 5, आंसर हो गया 6 दिन में काम करेगा, यही हमारा आंसर था। तो एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वर्क बाय टाइम। तो अब ये बताइए हमको निकालना है टाइम, तो टाइम इधर कर देंगे तो वर्क बाय स्ट्रेंथ हो जाएगा, है ना, वर्क बाय स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंटू टाइम करेंगे तो वर्क निकल जाएगा। तो आप देखिए 10 × 30 टाइम इंटू स्ट्रेंथ, तो 30 वर्क निकालना था, तो सीधा गुना कर देना था, 10 × 30 कितना से करेंगे गुना, किस नंबर से गुना करेंगे कि ये 30 आ जाए, तो 10 × 30 15 × 30 तो ये आपका हो जाएगा क्या, टोटल वर्क निकालने का ये तरीका है, और ये स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है जितना से। तो स्ट्रेंथ क्या हो, देख रहे हैं ना, वर्क क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इंटू टाइम, यहां से कुछ भी आप कर सकते हो, और टाइम क्या होगा, स्ट्रेंथ बाई वर्क हो जाएगा, इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं। तो 10 × 30 लाना था टोटल वर्क, 15 × 30 लाना था टोटल वर्क, ए कितना है, एक दिन में कितना काम करेगा 3, बी एक दिन में कितना काम करेगा 2, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा 5, टोटल काम कितना करना है 30 काम करना है, तो टाइम क्या हो गया, वर्क बाय स्ट्रेंथ, 30/5 कितना आंसर हो गया जी, कितना आंसर हो गया 6। तो ये हमारा पहला सवाल था, और बहुत ही छोटा सा सवाल, प्यारा सा सवाल था, जो आप अभी समझ चुके होंगे और टेक्निक को भी समझ गए होंगे कि कैसे मैं बताने वाला हूं। इसी टेक्निक से हम प्रयास करेंगे कि सारे सवालों को बनाया जाए और आपको फायदेमंद जरूर होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब मैं समझा चुका हूं आपको कि स्ट्रेंथ क्या है, तो एक दिन में किया गया काम स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ही निकालना है, किसका स्ट्रेंथ निकालना है, तो जिसका क्वेश्चन में पूछेगा उसी का स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। एक सवाल है कि अमित और रोहित एक काम को 20 और 30 घंटा में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के कितना दिन में वो काम करेगा। देखिए क्वेश्चन है कि अमित एंड रोहित कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 और 30 आवर्स, आवर्स की बात हो रही है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक, डेज विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट दिस वर्क। यही सेम अप्रोच आप पाइप एंड सिस्टम में भी लगाएंगे, कंप्लीट दिस वर्क। ये सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है, आप आराम से बना सकते हो। कुछ सवाल मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कौन सा सवाल बनाना है, कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ दूंगा, ताकि आप उसे क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बताएं, ताकि मैं समझूंगा कि आप भी बना रहे हैं। तो ये देखिए, तो अब कुछ करना नहीं है, अमित है, सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं, अमित है और कौन है, रोहित है, 20 घंटा में काम कर रहा है, 30 घंटा में काम कर रहा है, दोनों मिलकर के कितना में काम करेगा ये निकालना है। तो बताइए टाइम है, वर्क कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना, 60,
वर्क हो गया 60, W मतलब वर्क। अब बताइए 60 है तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 3 2, दोनों मिलकर कितना स्ट्रेंथ हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर करना है, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा वर्क बाय स्ट्रेंथ, तो 60/5 आंसर हो गया 12 डेज। बहुत आसानी से आप बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहेगी, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए दोनों का स्ट्रेंथ निकाल दिए, स्ट्रेंथ मतलब एक दिन में काम, एक दिन का काम बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे आप बेसिक मेथड से भी चलो या यहां भी चलो। तो एक दिन में 3 काम कर रहा था, एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करेगा, और 5 काम करेगा तो 5 काम यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि अमित और रोहित दोनों मिला करके पूछ रहा है, तो दोनों मिला करके एक दिन का स्ट्रेंथ निकाला होगा, एक दिन का स्ट्रेंथ 5। और फिर टाइम क्या हो गया, तो वर्क बाय स्ट्रेंथ 60/5 आंसर हो गया 12। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसी सवाल को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, कि एक अमित जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और 15 दिन में कर रहा है, उसके बाद क्या होगा कि अच्छा इस सवाल को तो मैंने बना लिया, अब दूसरे सवाल की तरफ चल रहा हूं। राम और श्याम जो है किसी काम को साथ में मिलकर के 30 दिन में कर रहा है, राम अकेले इस काम को 50 दिन में करता है, तो बताइए श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। राम और श्याम, चलिए अमित और रोहित ही रहने देते हैं, कंप्लीट कर रहा है अ वर्क, राम अमित एंड रोहित कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन, ठीक है, कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन कितने दिन में, कितने दिन में, तो वो जो है 30 दिन में कर रहा है, जिसमें से राम 50 दिन में अकेले कर रहा है, टुगेदर इन 30 डेज। ठीक है, ये सवाल है, दोनों टुगेदर क्या कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है। एंड अमित एलोन टेक्स 50 डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो पूछ रहा है बताइए कंप्लीट द वर्क हाउ मेनी डेज विल रोहित टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, अब बताइए यहां पे क्या है कि दोनों मिलाकर के स्ट्रेंथ दिया है। अब थोड़ा सा लगेगा कि अलग अलग तो टाइम दिया नहीं है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन आप देख लीजिए, अगर अमित है और रोहित है और अमित प्लस रोहित है, तो अमित प्लस रोहित कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में काम कर रहा है, जिसमें से अमित कितना दिन में काम कर रहा है, 50 दिन में, रोहित अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो रोहित का क्या चाहिए हमको, स्ट्रेंथ चाहिए, ये तो टाइम हो गया। अब ये बताइए कि स्ट्रेंथ निकालना है, तो 30 और 50 का एलसीएम, कोई बात नहीं जिसका भी हो एलसीएम आप सबका निकालिए, 50 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 50 सबसे बड़ा नंबर है, 50 दूनी 100, दोनों से कट रहा है, 30 और 50 दोनों से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो 50 से 150 यानी 150 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो वर्क कितना हो गया 150 इसका वर्क हो गया, एलसीएम ऑफ टाइम, ये बार बार मैं कह रहा हूं एलसीएम है ये, 150 वर्क हो गया। अब ये बताइए कि स्ट्रेंथ कितना देगा, 50 दिया 150, 50 × 3 150, 30 × 5 150, 5 हो गया। अब आप बताइए अमित और रोहित दोनों मिलाकर के एक दिन में 5 काम करता है, एकदम ध्यान से समझना है यहाँ पे, अमित और रोहित दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, तो जिसमें से अमित अकेले 3 काम करता है, तो 2 काम बचा, तो 2 कौन करेगा, रोहित निकल गया, स्ट्रेंथ निकला। अब इस 2 से हम इसका हम निकाल लेंगे टाइम, तो टाइम क्या निकालना है, वर्क बाय स्ट्रेंथ, वर्क तो हमेशा 150 ही होगा, 150/2 यानी क्या हो गया 75 दिन में काम करेगा, आ रहा है बात समझ में, आ रहा है बात, जिसके बारे में कहा जाए आप उसको आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, आप x × y और यहां पे क्या करना है x − y कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50 × 30 जो मैंने उसे उधर बताया था, और 50 − 30 ये भी कर सकते हैं, तो 50 × 30 तो क्या हो जाएगा 1500/50 − 30 तो ये हो गया 20, कट गया 75, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे भी निकाले, लेकिन ये आप ध्यान से देखिए, ये अगर आप एक बार एडजस्ट कर लेते हो ना इस तरीके को, तो फिर आपको मजा आएगा और बहुत आराम से चीजों को समझ पाएंगे, मेन एंड डे वाले वर्क में भी आपको बहुत ही आराम होगा, मैं उस टाइप का भी सवाल बता दूंगा, अभी मैंने शुरू किया है टाइम एंड वर्क, तो मैं आपको वादा करता हूं कि पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क साथ में वो मेन और डे वाला जो क्वेश्चन होता है उसको भी मैं करा दूंगा और बहुत आराम से कराऊंगा, ठीक है, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहें और लेक्चर को जितने भी लोगों तक शेयर कर पाए तो वो मेरे लिए एक मतलब एहसान की भी बात होगी, और आपका मैं शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप इसे और लोगों तक पहुंचाएंगे, और जिन लोगों तक पहुंचाएंगे उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा क्योंकि मैं पूरा पढ़ा रहा हूं।
तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का। चौथा क्वेश्चन अब मैं एक देख रहा हूं, जो फोर्थ क्वेश्चन है। आज मैं ज्यादा समय पे नहीं लूंगा क्योंकि आज बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास में ये लास्ट सवाल होगा। इस लास्ट सवाल के बाद फिर मैं आज का लेक्चर समाप्त करूंगा, फिर अगले क्लास में कुछ कठिन कठिन सवालों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चौथा सवाल जो है, ये चौथा सवाल मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फोर आज के वीडियो का सवाल है कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो भी आप देख ले, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोल देता हूं। तो कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 20 days आप मान के चलिए, 12 डेज डी मतलब डेज एंड 15 डेज, ठीक है, 15 या 20 डेज, अच्छा कुछ भी हो कोई दिक्कत, रिस्पेक्टिवली अलग अलग कह रहा है। देन हाउ मच टाइम दे ऑल टुगेदर विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, हाउ मच टाइम दे ऑल टुगेदर, दे ऑल टुगेदर टेक टू कंप्लीट द होल वर्क, टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब यह है हमारा सवाल, सेम वर्क, अब यह है हमारा सवाल, बहुत आसान है। तीनों मिलकर के, तीन आदमी का दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है तीन आदमी का भी दिया हुआ है। अब सीधा आप सॉल्यूशन की तरफ चलिए, सॉल्यूशन क्या है, ए बी और सी है। ए कितना दिन में, 10 दिन में, टाइम देख लीजिए, लिख लीजिए। बी कितना दिन में, 12 दिन में। सी कितना दिन में, 20 दिन में। तीनों मिलकर के पूछ रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पूछ रहा है। तो आप ये बताइए स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो पहले 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप देखिए 60 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि 12 नंबर 20 है, 20 के मल्टीपल में चलेंगे, 20 20 दूनी 40 20 60, तो एलसीएम हो जाएगा 60, एलसीएम हो गया 60, तो यही वर्क हो जाएगा टोटल, है ना। तो अब देखिए स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 10 6 60, 12 5 60, 20 दिया 60। अब तीनों मिलकर के पूछा है, तो तीनों मिलकर के स्ट्रेंथ कितना होगा, एक दिन में किया गया काम कितना होगा, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 5 11 3 14 काम करेगा एक दिन में, करेगा ना। अब 14 काम कर रहा है एक दिन में, तो जाहिर सा बात है कि पूरा तीनों मिलकर के कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या, फिर वर्क बाय स्ट्रेंथ, वर्क तो हमेशा 60 ही रहना है, बाय 14, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 20, ये इसका आंसर हो जाएगा 20/7 दिन में ये काम कर लेगा, 20/7 दिन, 20/7 डेज, आ रहा है बात समझ में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो आपने देखा, और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कृपया करके इस लेक्चर को बार बार देखें, ताकि आपको समझ बनाने में एक आसान कार्य हो आपके लिए, ठीक है, तब जाके अगले आने वाले लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है। इस लेक्चर को समझने के लिए, इस टेक्निक को समझने के लिए, इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, तब तक के लिए बच्चों आप लोगों के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, और तब तक मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप सभी लोगों ने इस लेक्चर का लाभ उठा लिया होगा। जो लोग लाभ नहीं उठा पाए होंगे तो उनको आप ये भेज देंगे, ये भी मेरी आपसे उम्मीद रहेगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।